ओ बेगम जी, बेगम जी जी, इस बने के कितने चुम्मे हैं? चल मियां जी, 3 चुम्मे भाई 300 निकाल ले, उठ जा उठ जा उठ जा, ला 300 ला। ये 300 पकड़, मैंने और चुम्मे लेने हैं। दो चुम्मे लेने हैं? हाँ, दो चुम्मे लेने हैं। चल 200 रुपये दे दे। अबे चुम्मे तो ले लूँ, देता हूँ। अच्छा ठीक है बेगम जी, रियाज का पहले 500 बकाया था और तुमने कल और चुम्मे दे दिए, अब उसका 1100 हो गया है। मियाँ जी, वो बहुत प्यार से मांग रहा था, मैंने सोचा वो मेरा पक्का कस्टमर है, मैं उसे चुम्मा दे दूं। वो कह रहा था मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा कल। अबे अपना हिसाब बाद में करियो, मुझे पहले चुम्मा लेने दे। चल बे, तेरे 2 चुम्मी हो गए, भाई राजा उठ जा उठ जा, चलो शाबाश भाई राजो, शाबाश शाबाश भाई राजो, भाई राजो भाई राजो। चल बे 200 रुपये निकाल। ले, तेरी बेगम कमाल का चुम्मा देती है। मेरी बेगम ही ऐसी है, जो एक बार चुम्मा लेता है उसको बहुत मजा आता है। अच्छा अपना नाम बता। फराज। फराज, तेरा नाम है फराज। अबे तेरा तो पिछला भी कहा 200 रुपया है। अबे दे दूंगा अगली बार आऊंगा, जब तेरा पक्का कस्टमर जाऊं। अच्छा ठीक है, जा जा शाबाश जा। बेगम तुझे कितनी बार कहा है कि उधार ज्यादा ना चुमा दिया कर, ये देख कितनी लिस्ट भरी पड़ी है। मियाँ जी, अगर उधार ना देना तो कस्टमर नाराज हो जाते हैं, घर भी तो फिर चलाना है ना, आप वसूली कर रहे हो। बेगम जी, बात उधार की नहीं है, मैं किस मुंह से चुम्मे के पैसे मांगू, आखिर इज्जतदार हूं मैं। है तो मगर हम इज्जतदार, लेकिन घर भी तो चलाना है ना, जाओ आप वसूली करने। अच्छा ठीक है, मैं वसूली पे जा रहा हूँ, तुम भी घर जाओ। अबे तेरा नाम रियाज है ना? हाँ, मेरा नाम रियाज है। अबे तेरा 1100 बन गया चुम्मों का, कब देगा? आज रात तेरे घर आऊंगा, 10 चुम्मा लूंगा, उसके पैसे भी दे दूंगा, पिछला भी सारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है भाई, याद से आना रात को, ठीक है? ठीक है। क्यों गया? अरे भैया मेरी बात सुनो। अरे हाँ बोल। भाई कहाँ जा रहा है? अरे भाई कहीं नहीं जा रहा, भाई वसूली कर रहा हूँ, गरीब बंदा हूँ। ये देख तेरा भी 200 बकाया, तू कब देगा ये बता। अरे भाई मैं 200 दे दूंगा, एक बात को बुरा तो नहीं मानेगा? अरे भाई तू 100 रुपये लेकर अपनी बेगम का चुम्मा दिलवाता है, तुझे शर्म है? तेरी माशरे में कोई इज्जत है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत है, हर दूसरे पोंजे से मैंने पैसे लेने हैं। अरे भाई ये भी तूने पैसे चुमो को लेने हैं, कोई इज्जत की बात थोड़ी है? दादा बातें ना कर, कोई काम की बात है तो बता। अरे भाई मेरी बात समझ, कल को तेरे बच्चे होंगे, वो माशरे में सिर उठाकर नहीं जी सकते, मेरी बात समझ। जा जा दिमाग ना खराब कर। अरे भाई गैरत मंद मर्द बने, बगैरत ना बन। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या चल है चौधरी साहब? ठीक चौधरी साहब, 7 चुम्मों का 700 बना हुआ आपका। अच्छा ठीक है, दिमाग ना खराब कर, बाद में दे दूंगा, जा। चौधरी साहब मजे लेने का तो पता है, लेकिन पैसे देने का नहीं पता। चल निकल, तेरी बेगम का और मेरा मसला है। चौधरी साहब उसी ने मुझे भेजा है, पैसे जल्दी निकालो। चल निकल निकल यहाँ से। चौधरी साहब मेरे दिल के टुकड़े, तुमने मेरे शोहर को क्यों मारा है? मेरी सुनिए, मैं तो हथ भी नहीं लाया। ये सच बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं ये। और नहीं मारे, मैं नहीं मारे इन्हू। ये शर्म नहीं आती चौधरी पे झूठा इल्जाम लगाता है, वो हमारा पक्का कस्टमर है। झूठ बोल रहा है, मैं नहीं झूठ बोल रहा। बोल चल, मैं तुझे बताती हूँ आगे। चौधरी साहब उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये लो आपके जो बकाया पैसे थे। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब मैंने सुना है आप नई हवेली बना रहे हो। जी जी, वो भी आपकी हो सकती है। वो कैसे? आप मुझसे शादी कर लो, वो भी आपकी हो जाएगी। चौधरी साहब आप मेरे से शादी कर लेंगे? हाँ हाँ मैं कर लूंगा, वो चिबड़ साहब के लायक नहीं है। तो मैं भी तैयार हूँ फिर। अरे भाई गैरत मंद मर्द बने, बगैरत ना बन। ठीक है चलो ठीक है, कल फिर हमारी शादी है। मैं तुम लोगों की बातें सुन लिया, अगर तुम मुझसे शादी चाहती हो ना ठीक है, मैं हनी दलाल तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं हनी दलाल तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं हनी दलाल तुम्हें तलाक देता हूँ, जाओ बुड्ढे के साथ। फराज की बातों में आके मैंने अपने घर पर बात कर लिया, अब भूखा मर रहा हूँ, रोटी के पैसे भी नहीं है मैंने। अच्छा भला वसूलियों पर जाता था, लोगों से पैसे लेता था, अब मेरे फराज मेरे हाथ चढ़ जाए, देखिए इसका मैं क्या हाल करता। अरे भाई खा रहा है, परेशान बैठा है। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, मैं भूखा मर रहा हूँ तेरी। Oh,